सो गाइस, वीडियो पूरी देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। यहाँ पे इस बंदे ने जो अपनी ओरिजिनल वॉइस की वीडियो अपलोड करी थी, वो कितने सेकंड की अपलोड करी थी, वो अब आप देखो। ऐसे बोल करके हाँ बंद मत करियो, मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, खोलते हुए भी लिया। मटर मार रहा है क्या? ये पूरा ले, पूरा ले, ढंग से ले। तो भाई रियल आ साउंड आप। सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो अपलोड करके इसने सिर्फ ये प्रूफ कर दिया कि इसने पूरी की पूरी जेन्युइन, इसने पैकेजिंग ओपन करी और जेन्युइन जो था वॉइस ओवर नहीं दिया। इसको जब अपलोड करनी थी तो पूरी जेन्युइन अपलोड करनी चाहिए थी, ना कि छोटा मोटा कोई पूरा यूट्यूब पे मजाक चला कर रखा है। यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज बना दी इसने अमेजोन फ्रॉड के नाम पे। बट आपको मैं इसकी रियलिटी बता दूं, यहाँ पे कोई इसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, इसने उल्टा अमेजोन के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी। यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं गाइस, जो जो उसके लवर्स है प्लीज़ वीडियो स्टार्टिंग से लेकर पूरी एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको इसका इस वीडियो के अंदर राफ को एक्सपोज करूँगा पूरा A to Z, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि वो कैसे लोगों को यहाँ पे पागल बना रहा है और कैसे लोगों को चीट कर रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये बताऊँ, लोगों से डोनेशन भी मांगा उसने, और डोनेशन मांगने के कुछ दिनों बाद उसने अपनी जो नंबर थे वो हटा दिए। तो गाइस वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपने राफ की ऑलरेडी वीडियो देख चुकी है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखे हो तो बिल्कुल भी मत देखना, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो वीडियो चलो गाइस स्टार्ट करता हूँ। डिस्क्लेमर दे दूँ वीडियो में स्टार्ट होने से पहले, अगर किसी को लगता है कि मैं ये वीडियोस व्यूज पाने के लिए कर रहा हूँ तो बिल्कुल हाँ, मैं ये वीडियो व्यूज पाने के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस लोगों को रियलिटी दिखाना मेरा काम मानता है, और राफ भी यहाँ पे सेम चीज़ कर रहा है, वो भी लोगों को पागल बना के व्यूज पाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता गाइस। तो चलो गाइस अब बताता हूँ मैं इसकी राफ की पूरी की पूरी कहानी। ओके सो गाइस, जो जो राफ को जानते हैं वो बहुत अच्छे जानते हो कि उनने पूरी की पूरी इसकी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखी होगी, क्योंकि उसकी सबसे पहली जो वीडियो थी ये वो सबसे ज़्यादा वायरल करी, यानी 2.3 मिलियन से अबोव व्यूज़ आ चुके, यानी 23 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके उसके अंदर। उसने लोगों को यहाँ पे बहुत ही घुमा फिरा के पागल बनाया, और लोगों से उसके कुछ सब्सक्राइबर 2 से 3 हज़ार थे, 2 से 3 हज़ार के आसपास थे सब्सक्राइबर उसके, और आज वो सब्सक्राइबर 60 हज़ार से ऊपर है। लोगों का उसने मजाक बना रखा है, लोगों का पूरा फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पे। गाइस ये एक यूट्यूबर है जो कि अपने पबजी गेम प्लेस का वीडियोज डालता था, मोन्टाज पबजी के नाम का मोन्टाज। इसके पास कोई भी कंटेंट नहीं है अभी फ़िलहाल में, इन पास्ट इसके पास कंटेंट था पबजी का, बट अभी कोई इसके पास कंटेंट नहीं है यहाँ पे। और गाइस बता दूँ, इसने अपने बारे में पूरी A to Z चीज़ें इसकी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये बंदा एक मिडिल क्लास का लड़का है जो अपने आप को मिडिल क्लास का लड़का कहता है, और ये साथ ही साथ जॉब भी करता है। तो गाइस ये तो राफ की बात रही, अब मैं आपको बताता हूँ इसने क्या फ्रॉड करने की कोशिश करी। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आप जब इसका YouTube चैनल खोलोगे, यहाँ पे मैं आपको साइड में वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ उसकी कितनी इसने यहाँ पे वीडियोस बना रखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसने टोटल 7 वीडियोस बनाया है Amazon Expose के ऊपर में। और गाइस इसकी जो पहली वीडियो थी जिसके अंदर 24 लाख व्यूज आए थे एक वीक के अंदर, ठीक है, पहले 2 दिन के अंदर इसमें 1 लाख से अब वो व्यूज चली गए थे, और ये मेरे ब्राउज फीचर में भी आया था। सो गाइस ये तो रही इसकी सीरीज की बात। पॉइंट नंबर 2 गाइस, अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। सो गाइस इसकी जो पैकेजिंग आप देखो यहाँ पे साइड में, वीडियो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसकी पैकेजिंग देखो, ये रहा इसका पहला कट। गाइस आप यहाँ पे साइड में चेक कर सकते हो, ये रहा इसका पहला कट जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है वीडियो के अंदर में। तो गाइस ये तो इसका पहला कट आपको दिख गया होगा यहाँ पे। इस कट के बारे में कुछ नहीं बोलता क्योंकि बहुत माइनर से कट है, हो सकता है कि पैकेजिंग के टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो इस पैकेट कट के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। बट अब मैं दिखाऊंगा जो आपको कट वो आपको सबसे ज़्यादा हैरान करके रख देगा यहाँ पे। तो गाइस अब मैं वीडियो को थोड़ा आगे करता हूँ यहाँ पे, ये अपना बंदा बॉक्स खोल रहा है। ओके सो गाइस इसने A to Z चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया यहाँ पे। अब देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो। सो गाइस अब ये वीडियो देखो, इसके साइड में कट देखो, टेपिंग देखो, मैं आपको ये स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ। ये जो इसने पैकेजिंग दिखाई आप देखो यहाँ पे गाइस, इसने ये पैकेजिंग दिखाई यहाँ पे, इसने अपना नाम वाम क्लियर कर दिया। अब इसने जैसी पैकेज पलटा, अब आप इसके साइड में देखो जहाँ पे लिखा है NMT के बगल में देखो, यहाँ पे आपको एक कट देखने को मिलेगा। ये देखो बिल्कुल
मालूम भी नहीं चल रहा है। ये देखो कट साइड में एम एन टी के बगल में कट देखो, आपको क्लियरली मेंशन देखो यहाँ पे कट, जो कट है वो इतना बड़ा कट है कि उससे एक फ़ोन ईजिली निकाला जा सकता है। गाइज ये मैं जानता नहीं कितना बड़ा कट है, फिलहाल मैं आपको अपने एग्जाम्पल से कह रहा हूँ, ये कट एम से ऊपर चिपका रखा है इसने, एम के ऊपर से कट इसने चिपका के रखा है और पैकेजिंग पूरी की पूरी इसने पहले से निकाल के रखी थी, ठीक है। तो ये रहा इसका। सो गाइज ये तो नहीं पैकेजिंग की कट, जो इसने पहले से पैकेज कट करके यहाँ पे जो चीज़ है वो निकाल रखी हो सकती है। गाइज ये मेरा डाउट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा देखा है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे इसने अगर ये जेन्युइन बंदा होता है ना, जेन्युइन होता तो ये यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी वीडियोस की सीरीज नहीं चलाता, क्योंकि कोई बंदा होगा उसको भी मालूम है कि गाइस उसके साथ फ्रॉड हो रखा है, वो खुद इतना डिप्रेशन में चला गया होगा कि वो बंदे को खुद को समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा कोर्ट के चक्कर काटे कि अपने पैसे निकलाए, वो खुद इतना परेशान हो चुका रहेगा कि उसको रातों को नींद नहीं आएगी। अगर किसी बंदे के 50,000 रुपये फंस जाए तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर बताओ कि आपको नींद आएगी अगर आपके 50,000 रुपये फंसते हैं, क्या आप इस लायक बचोगे कि आप वीडियोस बना के अब सोशल मीडिया पर अपलोड करो, एडिट करो, वीडियोस अपलोड करो और एडिटिंग में इतना माहिर बन जाओ कि साथ ही आपको समझ नहीं आया कि आपने क्या कर रखा है। मतलब 7 वीडियोस, छोटी मोटी वीडियोस नहीं होती, चलो मैंने माना कि 1, 2, 3, 4 इतने तक चलो, 1, 2, 3 मैक्सिमम 3, क्या बोलता पहली वीडियो में उसके साथ फ्रॉड हो, दूसरा वीडियो में अमेज़न पार्सल लेके आया, तीसरा वीडियो, अरे भैया इसने तो पूरी की पूरी वेब सीरीज़ बना रखी है यहाँ पे, मतलब लोगों को इसने पागल समझ रखा है यहाँ पे। पैसे कमाने का इतना शौक है तो जेन्युइन कंटेंट बनाना, भाई कौन मना कर रहा है तेरे को, जेन्युइन कंटेंट बना, अपना जेन्युइन पबजी का कंटेंट डाल, अब तो तेरे पास वो भी कंटेंट नहीं रहा। ओके सो ये मेरे पूरे डाउट थे यहाँ पे कि जो मैंने आपके साथ क्लियर किया, आपको क्या लगता है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम देखा, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे भेजिए, डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करो नीचे में। चलो गाइस अब मैं इसके नेक्स्ट कंटेंट में आता हूँ, इसके पास कोई भी कंटेंट नहीं है फिलहाल जो ये कंटेंट पे काम कर सकते हो और इससे यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, इसके पास 0 कंटेंट पड़ा है अभी फिलहाल, क्योंकि आपको मालूम है पबजी 30 तारीख से बैन हो चुका है इंडिया में और ये वीडियो आज मैं 31 तारीख को शूट कर रहा हूँ और आज शाम तक अपलोड करूँगा, इसके पास फिलहाल कोई भी कंटेंट नहीं है ताकि यूट्यूब पर डाले और लोगों तक अपनी बात पहुँचाए, इसके कॉन्टेंट थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। सो गाइस मैं बात करता हूँ चौथे कंटेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर रखता है इस वीडियो के अंदर में। सो गाइस आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं, ये जो पैकेजिंग आप बगल में देख रहे हो ठीक है, ये इतनी हाई सिक्योरली पैकेजिंग है, यानी अमेज़ोन खुद इसको क्लेम करता है कि ये इतनी हाई सिक्योरिटी पैकेजिंग है कि इसके साथ कभी फ्रॉड हो ही नहीं सकता। मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा दूँ साथ ही साथ में, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पैकेजिंग का एक नंबर दिख रहा होगा आपको साथ ही साथ में। ओके सो गाइस अब आपको बगल में दिख रहा होगा यहाँ पे SPTP7173545044, ये पैकेजिंग सबसे हाईली सिक्योर पैकेजिंग है। ये नंबर पैकेज को क्यों जाता है, क्योंकि ये गाइस ऐसा सिक्योरिटी पैकेज है, इसमें साफ साफ लिखा भी है डू नॉट एक्सेप्ट इफ़ द पैकेज वॉज ब्रोकन, और ऐसे करके इस पर ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, देखो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे जो नंबर 123123 अगर इसके अंदर में ये 123 आपको नहीं दिखाई लिखा रहता तो आप ये पैकेजिंग एक्सेप्ट मत करो, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि पैकेजिंग डैमेज हो तो आप पैकेजिंग एक्सेप्ट मत करो, डिनाय कर दो लेने के लिए, क्योंकि पैकेजिंग डैमेज थी यहाँ पे। तो इस बंदे ने जब पैकेज डैमेज था, हो सकता है ये पैकेज में जो चीज़ें बताई मैंने उसको, हो सकता है पहले से कटी हुई है, तो इसने एक्सेप्ट क्यों किया यहाँ पे। सो गाइस ये तो रही पैकेजिंग बात, अब मैं बात करता हूँ अगली, इसने यहाँ पे पूरी चीज़ A to Z क्लियर कर दी। ये जो पैकेजिंग है गाइस, मैं इसके बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे देता हूँ, आप जाओ इस पैकेजिंग के बारे में सर्च करो यूट्यूब पे देखो, या फिर नीचे में आपको मैं इस पैकेजिंग के बारे में लिंक दे दूंगा, आप उसके बारे में जाके समझो कि ये पैकेजिंग कितनी हाई सिक्योर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी ये हाईली सिक्योरिटी पैकेज पैक होती है तो ये ऑन कैमरा के अंदर पैक होती है, क्यों, क्योंकि अमेज़ोन कभी भी अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता। सो गाइस जब मैं 5वां पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको मैं, अमेज़ोन कभी भी अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं करता, अगर बाय चांस किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाता है तो अमेज़ोन 5 दिन का इन्वेस्टिगेशन रेज करता है, जिसके अंदर में अमेज़ोन इन्वेस्टिगेशन करता है, वो कैमरे की फुटेज चेक करता है, पैकेजिंग की सीरियल नंबर वेरीफाई करता है। ये पैकेजिंग जब अमेज़ोन हब से निकली होगी तो वो पैकेजिंग डिलीवरी बॉय तक आउट फॉर डिलीवरी हुई है कि नहीं, और जो पैकेजिंग कस्टमर तक डिलीवर हुई है वो पैकेजिंग ही डिलीवर हुई है कि उसको चेंज कर दिया। जब ये पूरा अमेज़ोन क्लियर कर देता है तब ही जाके कोई एक्शन लेता है अगेंस्ट द कस्टमर और अगेंस्ट द सेलर,
क्योंकि उनको पूरे फुटेज चेक करने रहते हैं, वो ए टू जेड फुटेज मंगवाते हैं कि भाई अपना फुटेज दो, तुमने क्या पैकेजिंग में पैक किया था, क्योंकि इतनी सिक्योरली पैकेजिंग है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कभी भी आप अमेज़न से मंगाओ, एक बार उस पैकेजिंग को ध्यान से देखो, उस पर क्या क्या लिखा है, उसमें मेंशन रहता है साफ साफ। अमेज़न को एक पैकेजिंग बॉक्स भी आती है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, कुछ ऐसी दिखती है वो पैकेजिंग बॉक्स, वो भी काफ़ी हाईली सिक्योर्ड बॉक्स रहता है। सो गाइस, ये तो एक प्लास्टिक के एक कार्टून के दो बॉक्स यहाँ पे अमेज़न के सबसे हाईली सिक्योर्ड पैकेजिंग में आते हैं। सो गाइस, इसको लेके तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि अमेज़न कभी भी अब नहीं चाहेगा किसी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड करना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो केके की कॉपीज़, यहाँ पे आप फोटो देखो, यहाँ पे जो इसने केके की कॉपीज़ दिखाई है, वो केके की कॉपीज़ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अवेलेबल है, ना कि गुड़गांव में। जो सेलर था वो गुड़गांव का था, आप जहाँ तक देख सकते हो। बट ये जो है पैकेजिंग, ये है केके की कॉपीज़, यानी आप जितनी भी केके की कॉपीज़ एक बार सर्च कर लो गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको केके की कॉपीज़ की सीरीज़ दिख जाएगी। यहाँ पे उसकी कॉपीज़ आपको 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। सो गाइस, इस पार्ट को कट कर थोड़ा आगे लगाएंगे। ओके, सो गाइस, आई होप आपको एक टू जेड चीज़ें क्लियर हो गई हो इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बेझिझक मेरा इंस्टाग्राम देखकर आओ, वहाँ पे हम मिल के बात करेंगे। और फिर भी चाहते हो तो कमेंट में अपनी भड़बास निकालो। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस वीडियो को आप पूरे स्टार्टिंग टू एंड देखोगे तो ही आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। सो गाइस, रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देना, क्योंकि आपके डाउट क्लियर करना मेरा काम है, और आपके साथ कल को ऐसा फ्रॉड ना हो वो भी आप बिल्कुल बेचक देखो। और गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबाना, और नीचे अपना नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी लिखो, अगली वीडियो में जरूर मैं सॉल्व करूँगा, और हो सके तो इस वीडियो को मैं ज़रूर राफ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि राफ तू फ्रॉड कर रहा है यहाँ पे लोगों के साथ प्लस अमेज़न के साथ, वो सबको पता है यहाँ पे। और अगर आपकी फिर भी क्वेरी ख़त्म नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है इंस्टाग्राम, वहाँ पे मुझसे पूछो, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा मैं, और ए टू जेड क्वेरी क्लियर कर दूंगा आपका मैं। सो गाइस, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट, तो बाय, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।